हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूटी के बैडमिंटन। और इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने रैकेट में आप क्या क्या अपग्रेडेशंस कर सकते हैं। तो मैंने एक रिसेंटली पोल किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की डिमांड की थी, तो आज ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। देखो भाई, आप जब भी रैकेट लेते हो तो अगर आप एक बजट रैकेट ले रहे हो जो थोड़ा सस्ता आता है, लाइक अराउंड 1000 से नीचे का रैकेट आता है, तो जनरली उसमें आपको ये जो ऐसा रैकेट ऐसा नहीं दिखता। इसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं और बेसिक सा रैकेट होता है, ठीक है। फिर जब जितना जितना हायर रेंज में जाता होगा ना, उतने आपको रैकेट में थोड़ा ऐसे दिखने लग जाएंगे जिनमें ना स्ट्रिंग्स ही नहीं होती। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि देखो, जब कोई कंपनी अपना रैकेट बनाती है तो वो मतलब बहुत सारी मशीनों के थ्रू होके गुजरता है, क्योंकि हर रैकेट को हाथ से बनाना ईजी नहीं होता। कंपनीज़ के पास में अब मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन के तो धड़ाधड़ रैकेट बनते हैं और उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की डिमांड जो है वो सप्लाई करती है वो कंपनी। तो उस हिसाब से जब रैकेट बन जाता है ना, तो रैकेट जब बन जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। और ये रैकेट के अंदर ना नीचे यहाँ पे ग्रिप भी नहीं होती, ठीक है। अब कंपनी के ऊपर होता है कि हाँ, उस रैकेट के ऊपर कौन सी स्ट्रिंग्स लगानी है बाय डिफ़ॉल्ट और कौन सी ग्रिप लगानी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स तो जनरली अगर आपको पहले से ही कंपनी के थ्रू होके मिल रही है, जो बजट रैकेट्स आते हैं वो तो बहुत सारी सिमिलर होती हैं। जितना मैंने सुना है, जो बेसिक बजट रैकेट्स आते हैं, जैसे योनेक्स का रैकेट ले लो ना, तो उसमें BG3 नाम की स्ट्रिंग डल के आती है और बहुत ही कम टेंशन पे होती है। और वो जो गटिंग होती है ना, वो सब मशीन से ऑटोमेटिक मुश्किल से 2 या 5 सेकंड के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो उसके थ्रू ऐसे बल्क में रैकेट बनते हैं। और साथ ही साथ में फिर जब रैकेट का इंस्पेक्शन होता है, तो उस टाइम पे कोई उनका जो एम्प्लॉय होता है वो यहाँ पे आके एक ग्रिप चढ़ा देता है और आपका रैकेट रेडी टू शिप हो जाता है, ठीक है। फिर जब महंगे रैकेट्स में जाते हैं ना, तब आपको ना ये सब नहीं मिलता कि उसमें ऑलरेडी स्ट्रंग होके मिले, आपको ना ऐसा अनस्ट्रंग रैकेट मिलता है। अगर आप कोई भी रैकेट को अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे होगे ना, तो दो टाइप के रैकेट लिखे होते हैं, एक होता है अनस्ट्रंग और होता है स्ट्रंग। स्ट्रंग होता है कि इसमें पहले से स्ट्रिंग आ रही है और वो कंपनी की बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है, और एक होता है अनस्ट्रंग, जिसमें आपको खाली ऐसा रैकेट मिलेगा, मतलब ये जो अंदर का पोर्शन, जो हेड पोर्शन हो गया वो खाली होगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कोई भी स्ट्रिंग ला सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा ये डाउट पूछा जाता है मेरे से कि हमारे पास ये रैकेट है, क्या हम इसमें ये वाली स्ट्रिंग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? भाई साहब, आपके पास कोई भी रैकेट हो, आप उसमें कोई भी स्ट्रिंग लगा सकते हो। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं आपको जब मैं स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे ना, तब मैं बता दूंगा कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। पर 99% रैकेट्स में आप मोस्टली सारी स्ट्रिंग्स लगा सकते हो, ठीक है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बस डिपेंड करता है कि हाँ, उस रैकेट का टेंशन होल्डिंग कैपेसिटी, उसका जो मैक्सिमम LBS जितना मेंशनड है, उससे आप ऊपर जाओगे तो रैकेट को थोड़ा सा मतलब रिस्क रहता है टूटने का, या कहीं पे क्लैश वगैरह हो जाए तो वहाँ से रैकेट ब्रेक हो सकता है या आपकी स्ट्रिंग टूट सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने रैकेट की स्ट्रिंग्स को अपग्रेड करते हैं। अब रैकेट की स्ट्रिंग्स को अपग्रेड क्यों करें, जब ऑलरेडी कंपनी से लग के आती है स्ट्रिंग्स। तो जो कंपनी से लग के आते हैं ना, जैसे मैंने आपको योनेक्स केस में बताया कि योनेक्स में जनरली BG3 देखी जाती है, तो ये ना बहुत ही एंट्री लेवल स्ट्रिंग होती है। और जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये मतलब आप जैसे आपने नायलॉन की रस्सी देखी होगी, जिसमें कभी कभी हम लोग इंडियंस लोग तो कपड़े दुखाते हैं, तो वही मटेरियल से ना स्ट्रिंग्स ही बनती हैं। बट जो स्ट्रिंग होती है ना, वो एक इतने से पतले तार में बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं नायलॉन के, तो उसको ना कंपनी अगर मतलब उसके ऊपर होता है कि हाँ, वो कितना पैसा खर्च करना चाहती है उस स्ट्रिंग को बनाने में। अगर जो आप नॉर्मल जो आपको बजट स्ट्रिंग मिल रही है ना, उसमें कंपनी मतलब बहुत इजीली वो स्ट्रिंग बना सकती है और धड़ल्ले से, मतलब उस स्ट्रिंग बनाने में उसका एफर्ट जाता ही नहीं है। कंपनी के अंदर महंगी मशीन्स नहीं लगती और महंगा मटेरियल नहीं लगता। और जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रिंग्स होती हैं, जो कि प्लेयर्स लोग यूज़ करते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, या इवन जो भी अपना गटिंग को चेंज करवाता है और नई स्ट्रिंग डलवाता है ना, वो थोड़ी बेटर क्वालिटी की स्ट्रिंग होती है, जो कंपनी स्पेसिफिकली निकालती है कि भाई किस बंदे को कैसा गेम खेलना पसंद है, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रिंग चूज़ कर ले। ये बहुत ही मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूँ। जब हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर एक रैकेट जब मैं स्ट्रिंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ना, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा कि स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या वैरायटी आती है। अभी बस हम लोग खाली ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो जब स्ट्रिंग को चेंज करते हो ना, तो मेन बात क्या है कि जब आप रैकेट को पकड़ रहे हो, तो एक्चुअली में शटल को क्या हिट कर रहा है, आपकी स्ट्रिंग ना। वो कुछ बात अलग है कि कुछ लोग अपने रैकेट के फ्रेम से भी शटल को मारते हैं, बट एक्चुअल में जो हिटिंग पॉइंट है वो आपको रैकेट का स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना आपके शॉट में पावर आएगा, तो इसलिए लोग रैकेट की स्ट्रिंग्स को अपग्रेड करते हैं। दूसरा आता है कि रैकेट की ग्रिप। अब रैकेट में स्ट्रिंग्स हमने अपग्रेड कर ली, ठीक है, और ऑलरेडी आपके रैकेट में ग्रिप तो आती है। मान लो आपने ऐसा रैकेट खेलता जिसमें स्ट्रिंग्स थी नहीं, बट ग्रिप जरूर है। अब हम ग्रिप को क्यों अपग्रेड करें? देखो, आप जब खेलते हो ना, तो आपके ऑब्वियसली हाथ से पसीना निकलता है, वो उस पर जमता है। फिर आप जब रैकेट को रख देते हो, तो वो रैकेट की ग्रिप जो होती है गीली होती है, और वो कहीं से रख दिया तो उसके ऊपर डर्ट जमती रहती है, और धीमे धीमे ना स्ट्रिंग जो
ग्रिप होती है वो गंदी होती जाती है, और एक टाइम पे ना उसका मतलब जितना भी मतलब जो मटेरियल बना होता है सोखने के लिए पसीना या फिर डर्ट वगैरह वो सब वो पूरा भर जाता है, और फिर ना उसमें से बदबू आती है, उसमें जर्म्स कुछ भी मतलब जितना भी मतलब आप सोच सकते हो गंदगी वो सब जमा हो जाती है। अपने लैपटॉप के कीबोर्ड देखे होंगे कितने कितने गंदे हो जाते हैं यूज़ के टाइम पे, तो हमको जनरली उसको साफ़ करना पड़ता है। अब ग्रिप को मैंने देखो साफ़ करने का कोई सेंस बनता नहीं है अनलेस अनटिल आपके पास में अच्छी क्वालिटी एक रबड़ ग्रिप है जिसको आपने बहुत रेगुलरली साफ़ कर रहे हो, तो आप उसकी लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हो, बट आप उसको जिंदगी भर नहीं चला सकते। ठीक है, तो आप अपनी रैकेट ग्रिप को अपग्रेड कर सकते हो जिसके थ्रू ना आपको बेटर ग्रिप मिलती है। जो कंपनी आपको स्टॉक ग्रिप लगा के देती है ना बहुत ही पतली सी होती है, ताकि ना अगर आपको रैकेट मिला तो आप एटलीस्ट से बेसिक गेम खेलना स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए देते हैं। लेकिन जब कोई बंदा अपने लिए स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर रैकेट मंगाता है तो उसके मन होता है कि भाई मैं उसके ऊपर जो मर्जी चाहूँ अपनी स्टिंग लगाऊँ ताकि मेरे को जैसी फील मिले, और जब मैं उसको अपने हाथ से पकड़ रहा हूँ तो मेरे को वो वाली पर्टिकुलर ग्रिप चाहिए जो मेरे को पसंद हो। ठीक है, उसी हिसाब से ना लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और रैकेट एक ब्रांड का खरीदते हैं, शर्ट ये स्ट्रिंग दूसरी ब्रांड की खरीद सकते हैं, ग्रिप दूसरी ब्रांड की खरीद लेते हैं, शटर दूसरे ब्रांड की चला रहे हैं, जूते दूसरे ब्रांड के पहन रहे हैं, आपके ऊपर आप जितना मिक्स एंड मैच करना चाहो कर सकते हो। मैं खुद मोस्टली 3-4 ब्रांड्स यूज़ करता हूँ, मैंने देखा है कुछ लोग खाली एक ही ब्रांड के साथ में जाते हैं, वो उनकी चॉइस है, उनको अच्छा लगता है वो उस ब्रांड के साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो ग्रिप भी आती हैं अराउंड 4-5 टाइप की, उन सब के मेंशन हो जाएंगे आपको यहाँ पे कैसी टाइप से ग्रिप होती है, और ग्रिप के ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ग्रिप के ऊपर, और ग्रिप मैंने आपको कुछ लास्ट वाली वीडियोस में करके भी दिखाया कि कैसे आपको अपने रैकेट्स को ग्रिप करना चाहिए, तो आप ग्रिप को अपग्रेड कर सकते हैं। एक और तीसरी चीज़ है जो आप अपग्रेड कर सकते हैं वो है आपके रैकेट का कवर, ये वाला जो कवर होता है ना आप इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब कुछ रैकेट्स होते हैं जिनके साथ में कवर आता है नहीं, और मोस्ट ऑफ द रैकेट्स के साथ में ये कवर आता है, तो ये ना बहुत ही बेसिक सा कवर होता है जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ताकि मतलब जब हम लोग शिपिंग कर रहे हैं तो रैकेट टूटे ना। ऑब्वियसली अगर आप महंगा रैकेट जाओगे 5,000, 10,000, 15,000 कितने का भी हो सकता है वो, तो शिपिंग के टाइम पर एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, कंपनी को बहुत ही सस्ता पड़ता है, और कंपनी के ऊपर होता है कि हाँ इसकी कितनी कॉस्ट वो अपने रैकेट के साथ हम जोड़ते हैं। जनरली मैंने देखा है कि रैकेट के कवर 200 रुपये के आते हैं, कुछ जगह 500 रुपये भी आते हैं, और फिर आते हैं पूरे पूरे किट बैग, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर लेना अगर आप कर सकते हो, अगर आप बहुत रेगुलर खेलते हो, आप बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हो और आपके पास में सामान रहता है, आपके पास में 3-4 रैकेट रहते हैं, तो आप उन 3-4 रैकेट के अलग अलग ऐसे बैग लेकर थोड़ा चलोगे, फिर आपको ऑप्शन आता है किट बैग लेने का। तो किट बैग के ऊपर भी मैंने जो अपना एक किट बैग यूज़ करता हूँ एड्रेस का ये वो भी, और मैंने योनेक्स का किट बैग भी यूज़ किया हुआ है और लीनिंग का भी, तो उन सब के ऊपर भी रिव्यूज़ आ जाएंगे। एक वीडियो में अगर मैं इतना सब कुछ बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी ही हो गया अराउंड 8 मिनट का। तो आप अपना रैकेट का जो किट बैग है उसको अपग्रेड कर सकते हो, जो कंपनी के थ्रू आता है उसको अपग्रेड करके एक बेटर किट बैग जिसमें आप बहुत सारे रैकेट्स, अपना खाने का सामान, अपने शूज़ और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, सॉक्स वगैरह सब कुछ रख सकते हो, सो दैट आप काफ़ी ऑर्गेनाइज रहोगे, और आपको ना मतलब आप जब अपने कोर्ट पहुँचोगे तो आपका सामान बिखरेगा नहीं, सारा कुछ एक बैग में रहेगा, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ हर प्लेयर को अपग्रेड करनी चाहिए। तो आप रैकेट के स्ट्रिंग्स को अपग्रेड कर सकते हो, रैकेट के ग्रिप को अपग्रेड कर सकते हो, और रैकेट के बैग को अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपकी खुद की हैं, लाइक अपने शूज़ वो अपग्रेड कर लो, बैडमिंटन शूज़ में आ जाओ, बैडमिंटन की स्पेसिफिक जर्सी खरीद लो, ये नहीं है ये नॉर्मल शर्ट है, बैडमिंटन की भी जर्सी आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो प्लेयर अपने ऊपर अपग्रेड कर सकता है। टॉपिक ही टॉपिक है बैडमिंटन को बनाने के लिए, मैं बनाता जाऊँगा, मेरे को व्यूज़ मिलते जाएंगे, आप देखते जाओगे, आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।